इनेलो की परिवर्तन पदयात्रा पलवल से प्रथला पहुंची। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने परिवर्तन पदयात्रा के दौरान गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद किया। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि बीजेपी के विकास के दावे केवल दावों तक ही सीमित हैं। विकास तो केवल सुभाष बराला के घर में है। अभय ने तंज करते हुए कहा कि सरकार ने विकास बराला का पूरा विकास किया और उसकी मदद की। अभय चौटाला ने कहा कि वो 150 गांवों में पदयात्रा कर चुके हैं। उन्होंने देखा कि सभी गांवों में सड़कें टूटी हुई हैं और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। सिंचाई के लिए किसानों को पानी नहीं मिल रहा है और गांवों में बिजली नहीं है। इसके अलावा महंगाई चरम पर है। पहले जो सिलेंडर 400 में मिलता था, आज वही सिलेंडर 1100 रुपए में मिल रहा है। अभय चौटाला ने दावा किया है कि इनेलो की सरकार आने पर एक सिलेंडर बुक दिया जाएगा और बुढ़ापा पेंशन 7000 रुपए की जाएगी। आप गांव में किसी में भी जब जाते हो, विकास तो चलते ही नजर आ जाता है। सबसे पहले सड़कें देखो, सड़क है ही नहीं, सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं। दूसरा, गांव में जो स्कूल है उनमें टीचर नहीं है। कहीं किसी गांव में अगर पीएससी है, वहां डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर है तो कोई दवाई नहीं है। पीने के पानी का कहीं पे भी स्वच्छ जल का बंदोबस्त सरकार की तरफ से नहीं है। सिंचाई का पानी नहीं, बिजली नहीं, विकास किसको कहोगे ये बताओ? अगर ये सुविधाएं नहीं है तो फिर विकास कहाँ है? विकास तो सुभाष बराला के घर में है, जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े लाछन लगे और सरकार ने उसकी बहुत पैरवी कर, तभी तो आज इनका दिवालिया पिटा पड़ा है।